नेक्स्ट हम समझते हैं इसके अंदर जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. ठीक है, हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर. व्हाट इज द ट्रोपोस्फेयर बेटा? ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर्स जो मैंने आपको बताई हुई है, लेयर्स ऑफ अर्थ जो है. ठीक है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर उसके मीजो क्या कहते हैं, डिफरेंट लेयर्स जो है. ठीक है, तो हम बात करते हैं हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ. ठीक है, सबसे फर्स्ट लेयर जिसकी बात हो रही है. ठीक है, अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व. ठीक है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं. ठीक है, ऑल ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नली विंड्स अलॉन्ग विद एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. समझ आई मेरी बात? इस टाइम पर जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं, बेटा ये ना थोड़ा सा मुझे उसमें सहान जी बेटा, ट्रोपोस्फेयर तो अभी बता रहे हो हायर, मतलब सबसे पहली जो लेयर उसके लिए. एक्चुअली आपको ये थोड़ी उसमें समझानी पड़ेगी कि जो आपको जेट स्ट्रीम वगैरह जो है ना, तो वीडियो में ज़्यादा अच्छे समझ आएगी मैं क्या किस बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, बट थोड़ा बहुत समझिए आप कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एयर सर्कुलेशन है, ठीक है, वो ऑब्जर्व होता है आपके लोअर ट्रोपोस्फेयर में जो फर्स्ट लेयर है. ठीक है, तो वहां पर जो सारी की ऑल द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न विंड्स. ठीक है, अलोंग विद द अल्टीट्यूड, हाइट कितनी है उसकी, 9 to 11 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, ये डायरेक्शन है आपके विंड्स वेस्टर्न, जिन्हें हम वेस्टर्न विंड्स कहते हैं, या वेस्टर्न इसी डायरेक्शन में आपकी मूव करती है. समझ आई? हाँ जी. दीज विंड्स ब्लो अक्रॉस द, ये हो गया हाँ जी, तिब्बतियन हाईलैंड्स जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, बैरियर. बैरियर समझते हो ना बेटा, मैंने आपको हिमालयन ऑलरेडी पहले बताया था, इट एक्ट एज अ बैरियर. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द विंटर विंड्स जो है. ठीक है, आगे उससे. ठीक है, एज अ रिजल्ट जेट स्ट्रीम्स गेट बायफ्रिकेटेड. ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है बायफ्रिकेटेड मतलब टू में डिवाइड हो जाती है, बाय मतलब टू. वन ऑफ इट्स ब्रांचेस ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द तिब्बतियन हाईलैंड्स while the southern branch blow in the eastward direction south of Himalayas. Okay, southern branch of jet stream exercises in India's important influence on the winter weather. Okay, समझ लीजिए, southern branch जो है वो winter weather के लिए है, India के winter season या winter climate के लिए. ठीक है, and आपकी जो दो आपको मैंने बता दिए. ठीक है, and the western cyclonic disturbances which enter the Indian subcontinent from west and the northwest during the winter months originate over the Mediterranean Sea and are brought into the India by the westerly jet streams. ठीक है, थोड़ा extra है बेटा ये सब चीजें, बस आप समझते जाइए कि जो western cyclonic disturbance है वो India के अंदर enter करती है subcontinent from west से. ठीक है, जो west से east तक की जो हवाएं हैं वो हमेशा यही direction है, west से east तक हमारी जो है फ्लो करती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड आर ब्रॉट इंडिया बाय द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम. ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या थी बेटा, जो आपकी तिब्बतियन हाईलैंड के साथ जो पैरेलली फ्लो करती है. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द, अब देखिए ये तो आपका वेस्टर्न यहाँ से जो क्या कहते हैं मानसून यहाँ से आ रहा है वेस्ट टू ईस्ट के थ्रू से. ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपका बे ऑफ बंगाल से, जो मेन पॉइंट है वो यही है. ठीक है, जैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन से. दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटीज. ठीक है, एंड हैवी रेनफॉल एंड हिट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट. पिछले साल आपको पता है दो तूफान आए थे. ठीक है, अब उनके नाम पे बता सकते हो मुझे, कुछ बच्चों मैंने आपको डिस्कस भी किए हुए. ठीक है, जो लास्ट ईयर आपका इसी साल में आया था और लास्ट ईयर भी आया था. ठीक है, उड़ीसा को हीट किया था और वेस्ट बंगाल में, स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जिसने. ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू द हाई विंड वेलोसिटी. याद रखिए जगह जो बे ऑफ बंगाल से और जो स्टार्ट होती है विंड्स, वो साइक्लोन जो है उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह जाना जाता है और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और इनकी टोरेंशियल रेन दैट अकॉमलेस. ठीक है, इनकी काफी ज्यादा रेन कैपेसिटी जो है, इनके रेन के जो जो काफी ज्यादा मतलब नुकसान करती है. ठीक है, एज अ समर सेट्स इन एंड द समर सन शिफ्ट्स टू नॉर्थवर्ड्स, द विंड सर्कुलेशन ओवर द सम कॉन्टिनेंट अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल एट द लोअर एज वेल एज द अपर लेवल्स. ठीक है, बाय द मिड ऑफ द जुलाई एट द लोअर प्रेशर बेल्ट नियर द सर्फेस टर्म एज द इंटर
ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है. मिड ऑफ द जुलाई द लोअर प्रेशर बेल्ट नियर टू द सर्फेस टर्म्ड एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट टू द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, जुलाई में ये उल्टी हो जाती है. बाय दिस टाइम वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम विदड्रॉ फ्रॉम द इंडियन रीजन. ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है मॉनसून. ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसी में. ITCZ, being a zone of low pressure, attract the inflows of wind from the different direction. Okay, so maritime air, tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator rushes to the low pressure area in the general southwesterly direction. Okay, it's the most moist air current which is known as a southwest monsoon. Okay, it is. देखो बेटा अभी ये ना सिर्फ आप जो चीजें इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं समझ. So, area in the general southern direction and its moist air current which is known as the southwest monsoon. ठीक है, जो कि आपके मेरिटियल ट्रॉपिकल एयर मास के आसपास हमें फील होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एन ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम. देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स है. ठीक है, तो जो ईस्टर्नली है वो फ्लो करती है साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून एंड इट हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इन अगस्त इट इज कन्फाइंड टू 15N, समझ रहे हो ना, 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इन सेप्टेम्बर अप टू द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ये लैटिट्यूड की डायरेक्शन दे रखी है, मतलब मेजरमेंट्स दे रखी है. ठीक है,